सब्सक्राइब करें टेक्निकल बीट्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल बीट्स यूट्यूब चैनल। और गाइस, आज हम बात करने वाले रियलमी C31 के साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस रिकॉग्निशन के टेस्ट के बारे में। जी हां गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि रियलमी C31 के अंदर हमें साइड माउंट फिंगरप्रिंट कैसा देखने को मिलता है और फेस रिकॉग्निशन कैसे वर्क करता है। सारी चीजें हम आज आपको डिटेल में बताने वाले, तो प्लीज हमारे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, कहीं पर स्किप मत करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास Realme C31। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में दोस्तों जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी। यहाँ पे सिंपली एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल स्क्रीन लॉक, यानी कि आपको ओनली स्क्रीन लॉक करनी है, फिंगरप्रिंट नहीं लगाना है, फेस अनलॉक नहीं लगाना है, ओनली स्क्रीन लॉक करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि पासवर्ड लगाना है तो आप पासवर्ड भी लगा सकते हो, और आपको पिन लगाना है तो पिन भी लगा सकते हो, और गाइस आपको पैटर्न लगाना है तो पैटर्न लॉक भी कर सकते हो, यानी कि स्क्रीन ओनली लॉक करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। बट हमें फिंगरप्रिंट लॉक करना है तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर भी आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पिन, पैटर्न एंड पासवर्ड। तो हम जस्ट एग्जाम्पल पिन इसके अंदर एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अगेन वही पिन एंटर करना है, कन्फर्म कर लेना है, और गैस यहाँ पे आपको तीन और ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आपका फ़ोन लॉक रहे और इसके अंदर नोटिफिकेशन आए वो शो हो ना हो। तो मैं डोंट शो नोटिफिकेशन ऑल कर देता हूँ, फिर डन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपको डेमो देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से आपकी फिंगरप्रिंट जो है वो स्कैन करनी है। तो हम इसको फटाफट से स्कैन कर लेते हैं। तो गैस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारी फिंगरप्रिंट जो आपको स्कैन करनी होती है, और ये आधी स्कैन हो ही चुकी है। और मैं लेफ्ट और राइट हैंड की फिंगरप्रिंट जो स्कैन कर लेता हूँ, ताकि किसी भी हाथ से मैं फ़ोन को यूज़ करूँ तो इंस्टेंटली फ़ोन जो अनलॉक हो जाए अनलॉक हो जाए। और गाइस यहाँ पे ऐड अनदर, यानी कि ऐड अनदर में आप कोई भी फिंगरप्रिंट जो वो लगा सकते हो। तो मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही मैं मेरे फिंगरप्रिंट को टच करता हूँ तो हमारा फ़ोन जो इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है, यानी कि आपको डेली यूजेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली फिंगरप्रिंट को लेके। तो गाइस आप देख सकते हो बहुत ही फास्टली वर्क कर रहा है। लेफ्ट और राइट हैंड की दोनों ही फिंगरप्रिंट मैंने टेस्ट कर ली है। और फ्रेंड्स, हम फेस अनलॉक भी करके देख लेते हैं। तो स्वयं वही प्रोसेस है, सिक्योरिटी पे चले जाना है, फेस अनलॉक पे क्लिक करना है, यहाँ पे अगेन वही पिन एंटर करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, मोर पे क्लिक करना है, एग्री कर लेना है, और यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा फेस जो इसके अंदर रजिस्टर हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी बहुत ही फास्टली जो है वो काम करता है, यानी कि जैसे ही मेरे फेस के सामने फ़ोन लाता हूँ तो इंस्टेंटली हमारा फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाता है, यानी कि आपको डेली यूजेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक को लेके। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ये है फिंगरप्रिंट टेस्ट, यानी कि जैसे हम फ़ोन के फिंगरप्रिंट को टच करते हैं तो तुरंत ही फ़ोन जो अनलॉक हो जाता है, और ये हो गया फेस अनलॉक टेस्ट। तो गाइज़ आपको इन दोनों में से कौन सा फास्ट लगा और आप ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो ये होपी गाइज़ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।